अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, शेफ़ मुनीर यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब दोस्त साथी खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज हम बनाएंगे इमरती, बिल्कुल थोड़ी से यानी कि दाल में, तो बहुत ही आसान तरीके से आप इसको घर पे बना सकते हैं। लेकिन आपने कैसे बनानी है मुकम्मल वीडियो देखें, इंशाल्लाह रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। यहाँ पर हमने लिए दाल माश आधा किलो। अगर आपको दाल माश बनाना नहीं आती तो आप एक पाव दाल लेके उसको 3 घंटे पहले भिगो के रख दें, उसके बाद आप इसको ग्राइंड कर लें, बर्फ़ डाल के ग्राइंड करें। ऐसे आपने ग्राइंड इसको नहीं करना, अगर दाल गर्म हो जाएगी तो फिर वो मज़ेदार नहीं बनेगी। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा फूड कलर लगाएंगे, रेड फूड कलर लगा के इसको मिक्स करेंगे ताकि इसका कलर यकजा हो जाए। तो वीडियो को ज़रूर देखें, स्किप नहीं करें व्यूअर्स, बहुत अच्छी वीडियो है आपके लिए। तो इंशाल्लाह वीडियो जो है वो आपको बहुत पसंद आएगी। व्यूअर्स, अगर आपने दाल नहीं बनानी तो आप बेकरी स्टोर से दाल ये मंगवा सकते हैं, बासानी मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम इसमें शामिल करेंगे अरारोट, जिसे कॉर्न फ्लोर कहते हैं, ये हम इसमें शामिल कर देंगे 150 ग्राम, यानी कि 150 ग्राम हम इसमें शामिल कर देंगे। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, ठीक है। अच्छे तरीके से मिक्स करके इसमें सारी ये एक जान हो जाएगी। अगर आपके पास इमरती बनाने के वो जो निप्पल होते हैं वो आपके पास नहीं है तो आप बॉल पेन का अगला हिस्सा काट के आप वो कपड़े के अंदर छेद करके उसमें आप लगा के आप बना सकते हैं। बहुत ही इजी और बहुत ही आसान है, इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। तो व्यूअर्स, आपकी मोहब्बतों और चाहतों का हम दिल से मशकूर हैं, आप हमें अपनी राय से आगाह भी ज़रूर किया करें। इंशाल्लाह वीडियो व्यूअर्स आपको बहुत अच्छी लगेगी, मुकम्मल देखें। तो यहाँ पे माशाल्लाह हमारी दाल जो है बिल्कुल रेडी हो गई है। इसको इसी तरीके से आप फेंटना है, इस तरीके से बिल्कुल, और हाथ आपने बिल्कुल नहीं रुकना, बिल्कुल नरम नरम हाथों से आपने इसको फेंटना है। ज़्यादा सख्ती वाले हाथ जो हैं वो आपने इसमें इस्तेमाल नहीं करने। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी और बहुत ही प्यारी रेसिपी जो है हमारी वो बनने वाली है। होम रेसिपी में जो आपको बता रहा हूँ आपने इसी तरीके से बनाना है। अगर आपको महसूस हो कि दाल हमारी जानदार है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी शामिल कर सकते हैं, मसला नहीं है। हमेशा याद रखें कि दाल ज़्यादा जानदार होगी तो वो भी फूलेगी नहीं, अगर ज़्यादा पतली होगी तो वो भी नहीं फूलेगी। इस चीज़ को आपने जहन में रखना है, यही सीक्रेट चीज़ें होती हैं जो बताने के लिए होती हैं। उसके बाद हम शीरा तैयार कर लेंगे, यहाँ पर 2 किलो चीनी का वो शीरा तैयार होगा। इसके बाद हमने शामिल कर दिया कढ़ाई के अंदर घी, भाई घी शामिल करके घी माशाल्लाह हमारा रेडी हो गया। तो अब जो उसका प्रोसेस है वो आपको मैं दिखा दूँ, जो जलेबी वाला कपड़ा होता है, ठीक है, इसमें ये निप्पल लगा हुआ है, आपने निप्पल लगा लेना, अगर आपके पास नहीं है तो आप बॉल पेन का अगला हिस्सा काट के उसमें लगा सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त और माशाल्लाह बहुत ही VIP तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसी चीज़ें आपको किसी ने नहीं बताई होंगी। तो माशाल्लाह से यहाँ पर हमने इमरती निकालनी शुरू कर दी है, 3 बल्ब हमने निकालनी है। ये देखिए बिल्कुल आराम आराम से हम इसको निकालते जाएँगे ताकि आपको इसको मुकम्मल तौर पर इसको समझ सकें। इसी तरीके से देखने 1, 2, 3 सही है। तीसरा बल जो है वो आपने घुमा लेना है, पहले आपने हाथ हमेशा ऊपर रखना है, बाद में आपने हाथ थोड़ा सा नीचे कर लेना है। पहले जब गोल वाले फंदे होते हैं थोड़ा हाथ ऊपर रखें, उसके बाद हाथ नीचे कर लें, इस तरह से पहले 3 फंदे हाथ ऊपर, उसके बाद जो ऊपर गोलाई वाले जो फंदे होंगे वो हाथ थोड़ा नीचे करके आप बनाएंगे। इसी तरीके माशाल्लाह हम सारी ये इमरती बना लेंगे। तो आप देख रहे हैं और अपनी राय से हमें आगाह ज़रूर करें व्यूअर्स, इंशाल्लाह नई नई रेसिपीज़ और नई नई वीडियो जो है वो आपके साथ शेयर करते जाएंगे, आसान आसान तरीके से, बिल्कुल इजी तरीके से, ताकि आपको किसी चीज़ का परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो माशाल्लाह से ये देखें 3 फंदे के बाद जो चौथा फंदा है वह आपने गुलाई का मारना है, तो बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार तरीके से बनेगी। आप नीचे वाले जो फंदे आप इतने अच्छे मारेंगे इमरती, आप उतनी ही साफ़ सुथरी और गोल बनेगी। उम्मीद है कि ये रेसिपी जो है वो आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, जो नीचे वाली साइड जो पक गई इसके हम साइड चेंज कर देंगे, ठीक है। जो नीचे वाली साइड जब पक जाती है तो ऑटोमेटिक वो कलर उसका चेंज हो जाता है, इस चीज़ को आपने जहन में रखना है। इस तरीके से सारे हम चिमटे की मदद से उसको गलती कर लेंगे। अब ये देखिए एक साइड पे पक गया, दूसरी साइड भी उसकी ये दोनों पीस जो हैं साइडों में पक गए हैं बिल्कुल। तो इसी तरीके से शीरा जो हमने इसमें डिप कर देना है पकी हुई को, तो रेसिपी हमारी तैयार हो गई है। तो माशाल्लाह अपनी राय से आगाह ज़रूर करें, मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, फिर मान लिया।